दिल्ली पुलिस कॉन्स्टेबल एग्जाम 2023 में 100 में से 15 मार्क का क्वेश्चन जो रहेगा वो मैथमेटिक्स से रहेगा। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हो जिनको मैथमेटिक्स इतने अच्छे से समझ में नहीं आता, बहुत ही टफ रहता है उन लोगों के लिए मैथमेटिक्स। तो वो लोग सोचते हैं कि 15 मार्क का जो क्वेश्चन है वो मैथमेटिक्स से छोड़ देते, बाकी जो 85 मार्क का क्वेश्चन है उनमें से अपना एग्जाम आराम से निकाल लेंगे, आसानी से क्रैक कर लेंगे। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपका जो 15 मार्क का क्वेश्चन मैथमेटिक्स से आता है वो आपको कैसे कवर करना है, पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर करना है या फिर कुछ टॉपिक क्लियर करना है या फिर पूरा का पूरा छोड़ना है या नहीं छोड़ना है, सारा का सारा डिटेल्स इस वीडियो में मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं कॉन्स्टेबल सुमित, आप लोगों का स्वागत करता हूं आज के एक और नई वीडियो पे। अगर आप लोगों का कोई सभी सवाल, कोई सभी डाउट हो तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके पूछ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। कुछ पॉइंट्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग पेन पेपर लेके बैठ जाए, जो जो पॉइंट्स मैं बताता रहूंगा आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए 100 मार्क का क्वेश्चन आता है और हर एक क्वेश्चन एक मार्क का होता है, और चार क्वेश्चन अगर आप लोग गलत करते तो एक मार्क यानी कि 1/4 मार्क आपका डिडक्ट हो जाता है। और इसका जो रिटर्न एग्जाम है बहुत ही कम समय बचा है, 2.5 महीने से भी कम समय बचा है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों का जो रिटर्न एग्जाम है वो शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेटजी आप लोगों का होना चाहिए। अगर इसी एग्जाम में, इसी फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत सारे लोग ऐसे जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट है या फिर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का लास्ट अटेम्प्ट है, उसके बाद उनका एज नहीं रहेगा, तो एक बहुत ही अच्छी सी स्ट्रेटजी के साथ उनको अप्लाई करना है। कैसे कैसे आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर ले पे उसके ऊपर अच्छे से स्ट्रेटजी बना के काम करना होगा। 100 मार्क का जो क्वेश्चन है वो चार सब्जेक्ट से कवर होंगे, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर। तो इन चार मार्क्स में से कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो अपडेट होते रहते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो अपडेट नहीं होते, जैसे कि रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, वो 10 साल पहले भी जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते थे अभी भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो दो तीन टॉपिक हो गए, दो तीन सब्जेक्ट हो गया, वो स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप लोग इसमें जितना अच्छे हो गए उतने ज्यादा स्कोर कर पाओ। जैसे कि रीजनिंग में कोई सा भी टॉपिक ले लो, चार पांच साल पहले एग्जाम में जो जिस प्रकार के क्वेश्चन आए थे अभी भी इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स भी है, ये एक बहुत ही अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग मैथमेटिक्स को इग्नोर कर जाते हैं, सोचते हैं कि 15 मार्क का क्वेश्चन है वो मैं छोड़ देता हूँ बाकी 85 मार्क्स से, जो ज्यादातर लोग करते हैं, और इसी कारण उनका एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। और जो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो अच्छे से पूरा का पूरा सारा का सारा सब्जेक्ट अच्छे से कवर करते हैं और वो एग्जाम क्रैक कर जाते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है, और जो दिल्ली पुलिस में 2022 में भी सिलेक्ट हुए उन लोगों के साथ भी मैंने जो बात किया था वो भी ऐसे ही बताए थे कि वो कोई सा भी टॉपिक को ढिलाई नहीं दिए थे। तो आपको मैथमेटिक्स कैसे करना है, किस किस टॉपिक को आपको कवर करना है, मैं इस वीडियो में आपको एक ऐसा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि कम से कम आपका 7 से 8 मार्क्स जो है 15 से आसानी से हो जाए। पहले मैं आपको बताऊंगा टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक आपको क्लियर करना है ताकि आप लोगों का कम से कम 7 से 8 मार्क आपका आराम से आ जाए। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 7 से 8 मार्क ही आप करो, मैं तो चाहता हूँ कि 15 से 15 मार्क आप ले आओ। पर जो बहुत ही वीक है, जो जिनका अभी तक मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं हुआ है, जो बहुत ही कम समय बचा है, तो इसी 2.5 महीने के अंदर 7 से 8 मार्क आसानी से स्कोर आप लोग कैसे कर पाओ, पहले तो आप इस वीडियो को पॉज कर लीजिए। और यहाँ पे कुछ चैप्टर्स आपको शो हो रहे होंगे, 10 से 11 चैप्टर है, ये अच्छे से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और यही चैप्टर आपको कम्प्लीट करने हैं अगले 1 महीने के अंदर, आपको यही जो सारे चैप्टर है वो कम से कम अगर आप लोग डेली दिन में मैक्सिमम 3 घंटे भी देते हो तो आराम से कवर हो जाएगा मैथमेटिक्स के लिए। पर्टिकुलर अगर आप लोग मैथमेटिक्स में 3 घंटे देते हो तो ये 10 से 11 चैप्टर को आप लोगों को 20 से 22 दिन के अंदर कंप्लीट करना है। हर एक चैप्टर आप लोग मान के चलो कि 2 दिन के अंदर आपको हर एक चैप्टर कंप्लीट करना है। 20 से 22 दिन के अंदर ही आपको चैप्टर कंप्लीट क्यों करना है मैं आगे आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि बुक कौन सा ले, बुक कौन सा बेस्ट रहेगा आपके तैयारी के लिए, तो ये वाला बुक आप लोग ले सकते हो जो कि किरण पब्लिकेशन का है। ये एक ही बुक आप लोगों के मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए एनफ है, जिसमें से आपका सारा का सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाएगा। ये बुक अगर आप लोग खरीद लेते हो तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट या फिर सोल्व पेपर जो प्रीवियस ईयर के है वो अलग से खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगा। आप लोग अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर किसी भी लोकल बुक स्टोर से आसानी से ये बुक ले सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो अभी हमने बात कर ले कौन कौन से चैप्टर आपको कवर करना है। जो 10 से 11 चैप्टर मैंने बताया ये 20 से 25 दिन के अंदर आपको कवर करना है। उसके बाद आपका काम क्या रहेगा, उसके बाद आपका काम रहेगा रिवीजन। रिवीजन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग का सिलेबस 100% कवर नहीं हुआ है, 80% हुआ है एग्जाम से पहले, तो ये जो रिवीजन है, रिवीजन के माध्यम से आप लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। और अगर आपने 100% सिलेबस कवर कर लिया और उसके बाद रिवीजन ही नहीं किया, तो जब आप लोग एग्जाम में जाके बैठोगे तो सारा का सारा जो क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग के ऊपर से जाएगा और ऐसे सोचोगे यार ये क्वेश्चन तो मेरे से आता था, यार मुझे सब कुछ आता था यहाँ से, पर मैं अभी भूल गया, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, बहुत टाइम लग रहा है, क्योंकि समय भी बहुत ही कम है। 90 मिनट्स के अंदर आपको 100 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। तो रिवीजन आप लोग कहाँ से करोगे, देखिए कुछ साल से SSC कंडक्ट करा रहा है ये एग्जाम, तो SSC के CHSL लेवल का एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है आप लोग गूगल में देखोगे, SSC CHSL का जो प्रीवियस है क्वेश्चन है, या फिर SSC जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम ले रही है पिछले 2-3 साल से, तो दिल्ली पुलिस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी आप लोगों को ऑनलाइन आराम से फ्री में मिल जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग डाउनलोड करोगे, उसके बाद जो किसी भी टॉपिक ले लो, जो मैथमेटिक्स का 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, 15 टॉपिक देख लो कि कौन कौन से टॉपिक से कॉमन क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी टॉपिक का अगर आपका कवर हो गया है तो उसी टॉपिक का आप लोग बुक से 15-20 और सिमिलर क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। इसी प्रकार से आप लोग आराम से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से आराम से अपने रिवीजन की तैयारी कर सकते हो। तो रिवीजन जरूर लगाना है आपको, जिस भी चैप्टर आप लोग क्लियर करते हो, जैसे कि 2 दिन लग गए आपको चैप्टर क्लियर करने में, उसके बाद 1 दिन आप लोग रिवीजन कर लो वो भी बेस्ट रहेगा, उसके बाद दूसरा चैप्टर आप लोग करो, उसके बाद जब 20-25 दिन के बाद आप लोग का सारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद रिवीजन के ऊपर ध्यान दो।
तो मैंने जो 10 से 11 चैप्टर बताया उसमें से आसानी से आपका 7-8 मार्क आराम से हो जाएगा। तो लास्ट में फाइनल बात यही आता है कि मैथमेटिक्स को आपको इग्नोर नहीं करना है, यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मैं आपको बार बार बताता हूँ, कोई भी स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको इग्नोर नहीं करना है, चाहे वो रीजनिंग हो या फिर मैथमेटिक्स हो। 15 मार्क में से कम 7-8 क्वेश्चन तो आपको करने ही है। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे किसी एक और नई वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।